हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है वो रकम करते रहेंगे। पिछले अद्वार में लियारी में जब 5 साल पहले यहाँ एक गैंगवार का ग्रुप जो है वो लियारी पे काबिज था, तो हमारी जितनी भी यूथ थी वो तकरीबन उसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी और इन्वॉल्व हो रही थी, तो उस वजह से हमारा यूथ जो है उस तरफ ज्यादा माइल होता हुआ नजर आ रहा था, जिससे हमारा यूथ तबाह बर्बाद हो रहा था। तो हमने ये महसूस किया कि क्यों ना हम एक ऐसा रोज यूथ पॉइंट का प्लेटफॉर्म बनाएं, हम यूथ पॉइंट के लिए कुछ उसके अंदर ऐसे स्किल्स रखें जो इन यूथ के अंदर मौजूद है, उन यूथ की सलाहियतों को हम वहाँ पर काम में लेकर आए। 2013 से 3 फिजिकल स्पेसेस बनाई गई हैं जो एक्टिवली काम कर रही है, जहाँ तमाम तर वसाइल मौजूद हैं और हम उन नौजवानों की पोशीदा सलाहियतों को उभार कर उनको एक अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करते हैं। 2017 से मेरी ज्वाइनिंग हुई है, यहाँ आते इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस होती थी, वहाँ से हमने स्टार्ट, इसके बाद कंप्यूटर IT की क्लासेस यहाँ हुआ करती थी, होती है विभिन्न वहाँ, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया कंप्यूटर IT को। ठीक है, यहाँ IT सीखने के बाद अजनो जवान एक प्रोग्राम आया जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया, अजमेर नौजवान की ट्रेनिंग आई और इसके अलावा मुख्तलिफ ट्रेनिंग आई जिनका मैं हिस्सा बना। ये एक ऐसी जगह है जहाँ यूथ आके अपने मसलों के ऊपर काम कर सकती है, अपनी ज़ाती तरबियत के ऊपर काम सकती है, और बाहर फालतू बैठने से अच्छा है यहाँ आके वो अपने लिए कुछ करे और अपने इलाके के लिए कुछ करे। इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ और भी यूथ आए, और भी नौजवान आए और इस मौके का फ़ायदा उठाए। ये एक बहुत अच्छी जगह है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इनके लिए रीडिंग कॉर्नर है, सेहत के लिए फिटनेस सेंटर है और मुख्तलिफ गेम्स हैं जिसे वो बैठ खेल सकते हैं और अपने आप को सुकून पहुंचा सकते हैं। थिएटर है, पपेट शो है और मेंटल हेल्थ सेशन होता है यहाँ पर, फिटनेस सेंटर है फीमेल्स के लिए जिनको जो है एक डे प्रोवाइड किया गया है जो कि बिल्कुल पर्दे में होते हैं तो वो बिल्कुल रिलैक्स फील करती है। रोज यूथ पॉइंट में अजमेर नौजवान की ट्रेनिंग के जरिए जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सोशल एक्शन प्रोजेक्ट और आर्ट्स एंड कल्चर की ट्रेनिंग के जरिए उनकी छुपी हुई सलाहियतों को निखारा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि बा मकसद ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जाती है, एक अच्छा शहरी किस तरह से बना जाता है और दूसरे की राय का एहतराम किस तरह से किया जाता है, ताकि आप अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र बने। तो इसलिए हमने इस रोज यूथ पॉइंट की बुनियाद रखी और इस तरह हम अपने यूथ को इंगेज करने के लिए आगे बढ़े।